Like that. There's no one out there. Akmal makes use of the gap. Will it get there? You can really punish those loose ones. Like that. There's no one out there. Akmal ball. What's got to be achieved? What's been achieved is a high ball downtown for six. Bang! Just. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Mac. Today I'm here in open ground. क्रिकेट ग्राउंड एक्चुअली टू बी सेज आज मैं एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो कि अपने वक्तों के बड़े अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं ही इज़ अ वेरी वेल नोन क्रिकेटर और पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड सो हिज नेम इज कामरान अकमल लेट्स गो एंड आस्क हिम सम गुड क्वेश्चंस सम क्रिस्पी क्वेश्चंस एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट देम स्टे ट्यून्ड कामी भाई अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है आपका ठीक है आप तबीयत ठीक है आपकी ज़बरदस्त अच्छा कामरान भाई सबसे पहले तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना है कि आपको किस एज में लगा कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं या आपने बनना है देखिए यंग एज में आपको पता है कि जैसे लाइक 8-9 साल का होगा अच्छा शौक था क्रिकेट अच्छा। खेलने का स्ट्रीट क्रिकेट से और सबसे पहले मेरे वाले साहब ने मुझे खिलाया तो वहाँ से फिर शौक बढ़ना शुरू तो आपकी इंस्पिरेशन आपके वाले साहब बने फिर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं जबरदस्त हो गया और अच्छा। वाले साहब ने जितना सपोर्ट किया और जितना हम मुझे लेके जाते रहे हर ग्राउंड में अच्छा जैसे इतने अर्ली एज में जाना अकेले जरा ठीक नहीं होता लेकिन यह है कि मेरे वाले साहब मुझे जाते थे और इस ग्राउंड में जहाँ हम आज बैठे हुए हैं अच्छा। तो यहीं से क्रिकेट स्टार्ट हुई है स्ट्रीट क्रिकेट से स्ट्रीट क्रिकेट से हाँ लेकिन वहाँ से ही शुरू करते हैं सही। लेकिन जो सही प्रोफेशनली मैंने क्रिकेट शुरू किया वो इस क्लब से मैंने ज़बरदस्त अच्छा कामरान भाई अगली बात आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना अर्सा लगा नेशनल लेवल पर पहुँचने में देखिए अरसा नहीं है मोहन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा अच्छा। और जैसे ही आप थोड़ी सी मिच्योर एज में जैसे लाइक क्रिकेट को बेहतर थोड़ा सा समझना शुरू कर देते हैं वो 13-14 साल की है 13-14 साल की जो आप प्रोफेशनली क्लब क्रिकेट के मैचेस खेलना शुरू कर देते हैं फिर क्लब क्रिकेट मिलती है आपको वहाँ से तो वो मेरा जर्नी वहाँ से सही स्टार्ट हुई है अंडर 15 वर्ल्ड कप 96 में हुआ था इंग्लैंड में अच्छा वहाँ से फिर मैंने फुल टाइम अपनी प्रोफेशनल बनाया इसको और 2006 से लेकर 2002 तक मैं क्रिकेट 1996 से लेकर 2002 तक हाँ वो मैं अंडर 19 प्रोसेस के साथ खेलता गया अच्छा अच्छा 19 तो इतना नहीं खेल सका फिर डोमेस्टिक खेला नेशनल बैंड की तरफ से लाहौर से मेरा डेब्यू हुआ आमिर मलिक के अंडर अच्छा 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 टेस्ट प्लेयर एक्स प्लेयर हैं तो बड़ा अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया तारक रहमान थे और आमिर हयात रोकड़ी साहब अल्लाह उनको जन्म नसीब करे उन्होंने मौका दिया मुझे और वैसे फिर सिलसिला चलता गया 2002 में मेरा डेब्यू हुआ जबरदस्त 5-6 साल की जर्नी थी जिसमें मैंने जबरदस्त अच्छा कामरान भाई अगला आपका मैं क्रिकेट से इतना वो नहीं हूँ मेरा शगफ नहीं है क्रिकेट के साथ लेकिन पाकिस्तान का मैच तो मैं लाजमी देखता हूँ स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का तो लाजमी देखा जाता है मैच हम तो US में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच तो शौक से देखते हैं रातों को जागना भी पड़े तो रातों को जाग के भी देखते हैं मुझे अच्छी तरह याद है आपने मोहाली में जो शो किया था टेस्ट में वो आपका जो फीलिंग थी उस वक्त वो जो आपको प्यार मिला पाकिस्तान की तरफ से एयरपोर्ट पर या उसके बाद या जो आपको प्रोटोकॉल्स मिले जो आपको एक शोहरत मिली मोहाली के बाद वो ज़रा थोड़ी सी फीलिंग्स मुझे बताएं वो कैसी थी देखिए वो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना कम उससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था तो वहाँ पे भी हालात ठीक नहीं थे मेरे क्योंकि परफॉर्म अच्छा नहीं हो रहा था सही अल्लाह ने वहाँ मुश्किल टाइम पे एक शो करवाया मैंने पहला पाकिस्तानी विकेटकीपर हूँ जिसने ओडीआई में 100 किया ऑस्ट्रेलिया में और ओवरऑल पाकिस्तान की तरफ से वाइट बॉल से अच्छा तो वहाँ फिर सेटल हुआ फिर मोहाली गए और आपको पता ही नहीं इंडिया और इंडिया का क्राउड कितना इंडिया का क्राउड एग्जैक्टली हां जी ओहो लेकिन वहां पे जब ऑफ द ग्राउंड जाते हैं तो प्यार भी बहुत मिलता है अच्छा रिस्पेक्ट भी करते हैं तो वो जो इंडियंस के बारे में है कि वो पाकिस्तानीज को लाइक नहीं करते या उनको ग्राउंड की हद तक है अच्छा वो ग्राउंड की हद तक है देखिए हर क्राउड अपनी टीम को सपोर्ट करता है जितना हमें भी उस टूर पे हमें भी सपोर्ट मिली है बहुत ज्यादा हमारे पाकिस्तानी बड़े गए हुए थे उस टूर पे इंडिया और मेरी फैमिली खुद गई हुई थी ब्रदर लॉ वगैरह गए हुए थे भाई वगैरह गए हुए थे लेकिन यह है कि फीलिंग्स यही थी कि एक हारा हुआ मैच था और बड़ी टेंस वाला माहौल था ड्रेसिंग रूम का तो बस दुआ की थी अल्लाह के आगे और फुल क्रेड मेरे जो पार्टनर थे रजाक भाई उनको भी जाता है जिनके साथ पार्टनरशिप लगी उन्होंने 70+ रन किए हम लोग टेस्ट मैच हारा हुआ
ड्रॉ करके वो पूरी सीरीज हम लोग ड्रॉ करके ये फायदा हुआ पाकिस्तान की टीम को, एक टफ सीरीज बड़ी टीम के खिलाफ। इंडिया में खेलना इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है, ट्रू। जितने बड़े नाम थे उनके पास, जो प्लेयर्स थे उनके पास, सचिन तेंदुलकर, ड्रेवर, सौरभ गंगुली, जिसने टीम उठाई इंडिया की, बनाई है, जिसने प्लेयर्स लेके आया, ज़हीर खान जैसे बॉलर्स हैं, लक्ष्मण, तो सहवाग जैसे प्लेयर्स हो, तो इस टीम के खिलाफ अगर आप ड्रॉ कराएं सीरीज तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कुंबले जैसा लेग स्पिनर हो उनके पास, तो फीलिंग्स यही थी कि बस अल्लाह का शुक्र और टीम ने बड़ा सपोर्ट किया, बस उस चीज। नहीं, मैं बेसिकली जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं यानी कि वो प्राउड मोमेंट जब आपने 100 किया और लोगों ने आपको इतना सहराया, क्योंकि वो एक था तो वो ड्रॉ मैच, राइट, लेकिन वो एक गिफ्ट था ना कि कामरान अकमल यार कोई मोहाली में जाके 100 मार के आया। देखिए वो चीज मैं कह रहा हूँ प्राउड मोमेंट है, और जब टीम हारा हुआ मैच ड्रॉ कर दे और परफॉर्मेंस हो उस प्लेयर्स की जिसकी वजह से टीम ड्रॉ कर दे मैच, तो वो प्राउड मोमेंट तो होती है, फीलिंग्स डिफरेंट होती है, वो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लगा था, ओवरऑल वो बड़ा जबरदस्त रहा था पाकिस्तान के लिए, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, बीइंग अ नेशनल टीम में विकेट कीपिंग करते हुए, वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका आपने कॉट बिहाइंड किया है या उसको स्टंप आउट किया है तो आपको लगा कि हाँ यार आज मैंने जो है ना वो एक चीज़ की है? कौन सा ऐसा प्लेयर था वो? जमैका में टेस्ट मैच चल रहा था 2004-05 में। अच्छा, ब्रायन लारा और दानिश कनेरिया की बॉल। अच्छा अच्छा, वो देखिए प्लेयर भी ऐसा ब्रायन लारा, सारी बात है, और बेस्ट प्लेयर आप कह सकते हैं कि जितना मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, जितना मजा उसको देख के आता है क्रिकेट का, मेरे ख्याल से कम ही प्लेयर्स हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने पाकिस्तानी टीम की तरफ से कितने कैप्टन्स को आपने टॉलरेट किया अभी तक? आई मीन कितने कैप्टन्स के अंडर आपने क्रिकेट खेली है, इन अदर वर्ड्स? देखिए स्टार्टिंग मेरा वकार भाई की कैप्टन, वकार भाई की कैप्टनसी में, तो बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का 2002, जाहिर बात है, तो बड़ा अच्छा लगा उस टीम में जो प्लेयर्स थे वो, उनको हम सिर्फ यही सोच सकते थे जब स्टेडियम जाते थे, जंगले के बाहर खड़े होकर सिर्फ उनको देखते थे। उनके साथ डेब्यू हुआ तो प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए, विकी भाई के अंडर खेलना, फिर इंजमाम भाई जैसे, वसीम भाई जैसे, मोहम्मद यूसुफ जैसे, मोहम्मद यूसुफ, लेकिन ये है कि इंजी भाई के दौर में नहीं, आपने बड़ा इंजॉय किया उनकी कैप्टनशिप में, 3 साल वो रहे हैं, यूनिस खान के जो कैप्टनसी में, अफरीदी की कैप्टनसी, शुएब मलिक की कैप्टनसी, ऑलमोस्ट कोई 6-7 कैप्टनों के अंडर खेला हूं मैं, तो इन 6 कैप्टनों की डिफरेंट मेंटालिटी। हाँ, इन 6 कैप्टनों में से अगर मैं कहूँ आप इनको रेट करें कि कौन सा बेस्ट कैप्टन था आपकी नज़र में? देखिए मैंने तो हमेशा यही कहता हूँ कि इंजी भाई की कैप्टनसी में, इंजी भाई की कैप्टनसी, टीम ने भी परफॉर्म किया और जो लड़के वापिस आए या चांस मिला था उनको, उन्होंने चांस अवेल किया, कॉन्फिडेंस ऐसा मिला कप्तान की तरफ से, उसके साथ जो कोच था बॉब उसकी बड़ी हेल्प थी, वो बॉब वॉलमर था मेरे ख्याल है, वो जिसकी डेथ हो गई थी जी। हाँ हाँ, वो मेरे ख्याल से कप्तान की और कोच की अंडरस्टैंडिंग बड़ी। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ कोचेस, ये जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीम जो गोरों को कोच रखती है जिनकी इंग्लिश लिंगो जो कि हमारे पाकिस्तानी लड़के मोस्टली नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इसके बारे में आपका क्या, आई मीन आप क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी होता है बैरियर होता है लैंग्वेज, वही ना लैंग्वेज बैरियर, हाँ लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन ये है कि लड़के एडजस्ट कर लेते हैं, कर लेते हैं, इतनी अवेयरनेस है कि इतनी अवेयरनेस एक्सप्लेन कर सकते हैं गोरे को। तो गिवन करंट सिचुएशन, इस वक्त करंट कोच मेरा ख्याल है शुएब अख्तर भाई हैं, लेकिन वकार यूनुस मैंने सुना है, वकार भाई भी हैं कोच, बॉलिंग कोच हैं, यूनुस खान बैटिंग कोच है, तो वकार भाई की कोचिंग कैसी चल रही है? आपने उनके अंडर खेला भी हुआ? देखिए एज ए बॉलिंग कोच तो अच्छे हैं, नो डाउट, उन जैसा बॉलर्स कम ही पैदा होते हैं पाकिस्तान, नो डाउट नो डाउट, उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान टीम के लिए, इस वक्त जो जिस जॉब में है वो जबरदस्त है। अच्छा, मैं कहता उस जॉब तक ही रहें तो जबरदस्त है। अच्छा, आगे जाएंगे लिमिट क्रॉस करेंगे, लिमिट क्रॉस करेंगे, वो कई मरतबा की है उन्होंने, लेकिन खैर बड़े हैं, वो जाहिर बात है सीनियर हैं, उनका राइट बनता है, वो थोड़ी सी ईगो साइड पर रखते हैं, इस काम में दिल लगाना पड़ता है। सही। अच्छा कामी भाई, अब मैं आपसे एक बड़ा मजेदार सवाल करने लगा हूं, रेडी हैं आप? अच्छा सवाल कामी भाई ये है, मैंने ये बेसिकली क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं लोगों से, क्योंकि मैं तो आपको बताया मेरा क्रिकेट से इतना शगफ नहीं है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे अहबाब हैं, जो मेरा चैनल देखते हैं उनसे मैंने पता किया।
तो उन्होंने मुझे एक कहा कि कामी भाई साहब ने एक सवाल लाजमी करना है, दो तीन है लेकिन एक पहले मैं करता हूँ, वो ये है कि शुएब अख्तर साहब आपको कीपर नहीं आपको कीपर बोलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए बड़े हैं, सीनियर है और हर किसी की राय है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि इतना नॉलेज हो गया क्रिकेट का हर बंदे को। हाँ। खैर वो तो लेजेंड है, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है, जाहिर बात है ही। तो वो हमारे सीनियर भी हैं, क्या कह सकते हैं, बस यही है कि देखिए हर किसी पे टाइम आता है। हाँ। कीपर हो चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर, ये टाइम हर किसी पे आता है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना और उस लेवल तक रखना, तो अल्लाह का शुक्र है उस लेवल पे इस काबिल था तो मैं खेल रहा हूँ। जाहिर बात है उनसे ज्यादा मैचेस खेल रहा हूँ, ये भी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये भी देख लें आप, टेस्ट मैचेस देख लें, ओडीआई देख लें। अच्छा, यानी कि आपके मैचेस शुएब अख्तर से ज्यादा हैं। देखिए शुएब भाई, मैंने कहा ना कि वो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है, फास्टेस्ट बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इतना लंबा कैरियर, फिर वो जैसे वो फास्ट बॉलर से उसमें इंजरीज बहुत ज्यादा हुए, उनका टाइम बहुत जाया हुआ इंजरी की वजह से। अगर वो फिट रहते जैसे वसीम भाई वकार भाई इतना लंबा खेले, शायद वो 500 आउट करते वाइट बॉल से, कुछ 400 प्लस आउट करते रेड बॉल से, लेकिन वो बॉलर इतने फास्ट है, रन अप इतना लंबा, मुश्किल होता है, मुश्किल होता है कि सीनियर हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा कभी भाई, दूसरी बात मुझे भी रिसेंटली पता चली है कि माशाल्लाह पिछले 5 सीजन हो गए हैं पीएसएल के और आप 5 सीजन में टॉप स्कोर रहे हैं माशाल्लाह। बस अल्लाह का, और स्पेसिफिकली लास्ट सीजन में आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। देखिए वो ऐसे ही है, लास्ट पीएसएल में तो लास्ट पीएसएल था, लेकिन उससे पीछे वाले जो दो थे ये 2019 का जो हुआ उसमें आप नहीं थे। 2019 में मैं और 2018 में मैं, हाँ क्योंकि 2020 में बाबर आजम हुआ, बाबर आजम हुआ, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसके बावजूद मैंने सुना कि आपको जो हुआ कायदे आज़म ट्रॉफी कप जो हुआ उसमें आपको नहीं उन्होंने सेलेक्ट किया, उसकी क्या रीज़न हुई? वो रीज़न बस कोच ही बता सकता है, कोच, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अच्छा, नहीं तो डिसहार्टमेंट नहीं होती कि यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद रिकंसीडर नहीं करते, कंसीडर नहीं करते? डोमेस्टिक पाकिस्तान की क्रिकेट है, बेहतर समझते हैं, जो आप भी उन्होंने देना, हमारा काम है खेलना, आपका काम है खेलेंगे तो परफॉर्म कर देंगे, लेकिन ये है कि जो बिहेवियर इस करंट पिछले आप 4-5 साल से देखो, आप तो इधर हो नहीं, हाँ नहीं, मैं तो आपके दोस्त वगैरह जिन्होंने आपको सवाल कहा कि पूछना, उनसे भी पूछिएगा, तो पाकिस्तान का लेवल बहुत नीचे गया सिर्फ इसी वजह से। अच्छा, उसकी रीजन क्या हुई? एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा किए गए हैं, ईगो बहुत ज्यादा ईगो है डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं देनी। वही ना, मैं इवन के पीएसएल मैंने थोड़ा सा फॉलो किया था, जलमी आपकी टीम मैं थोड़ा सा देखता हूँ, फिर क्वेटा टाइगर्स है मेरा ख्याल है, नहीं कराची टाइगर्स है, कराची किंग्स, एक दो मैचेस मैंने पीएसएल के भी देख रखे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि पीएसएल के आईपीएल ने देखे ना कितने आईपीएल से कितने कितने अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं इंडिया ने, जबकि पीएसएल से पाकिस्तान कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। देखिए पीएसएल से तो हो रही है सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, आईपीएल में सिलेक्शन नहीं होती। आईपीएल में आपको एक बात बताऊँ, वो डोमेस्टिक क्रिकेट उनकी 4-day क्रिकेट है जहाँ से वो अपने प्लेयर्स पिक करते हैं, मैच्योर करते हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया टूर में भी नज़र आया, वो जीत के आए हैं, अपनी सी टीम से जीत के आए हैं और इतनी ज़बरदस्त टीम से वो जीते हैं। तो यही है कि उनका स्ट्रक्चर डोमेस्टिक का बड़ा ज़बरदस्त है, प्लेयर्स को खिला के ला रहे हैं, इस वजह से हमारे पीएसएल की वजह से वहाँ से सिलेक्शन होने की वजह से हमारी क्रिकेट का ग्राफ नीचे गया, जो रिसेंटली पिछले 2 कोचिज करके गए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, उसका नुकसान हुआ। अभी भी कुछ नहीं है, अभी सीरीज चल रही है, साउथ अफ्रीका आई है, हाँ जी साउथ अफ्रीका आई भी है, कॉन्फिडेंस आएगा, प्लेयरों को प्रोसेस बनाए डोमेस्टिक में, जो परफॉर्म करे, जो बॉक्स खाली हो, जो लड़का परफॉर्म ना कर रहा हो उसकी जगह उसको लाया जाए, ना कि आप T20 की परफॉर्मेंस लाया जाए, इसकी वजह से नुकसान हुआ। तो टेस्ट आप कहते हैं अभी भी सही उसका है, मैं उसको करने के लिए पराये में रखने के लिए कि कौन अच्छा प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट इज आप, क्योंकि आजकल तो क्रिकेट से ही प्लेयर बन, हाँ क्योंकि आजकल तो क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई ना, 2020 ने तो क्रिकेट का पूरा फेस ही चेंज कर दिया। बस इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि क्योंकि अमेरिका में भी लोग वहाँ पे 5-5 दिन की क्रिकेट तो नहीं देखी जाती है, अमेरिका में भी वो लोग कहते हैं कि जी हमें फास्ट, उनका बेसबॉल का मैच होता है आधे दिन का, ठीक है ना, वो इसी तरह क्रिकेट का भी कहते हैं कि जी क्रिकेट का मैच हो, आधे दिन का मैच हो, देखा सारा कुछ किया, चलो जी घर चलें। तो
आपको नहीं लगता कि PSL से ज़्यादा और कोई फास्टेस्ट क्रिकेट आ सकती है T20 से? देखिए अभी T10 लीग हो रही है, T10 भी हो रही है। हाँ जी, T10 दो साल से हो रही है, आज से मैच शुरू हो रहे हैं T10 के। अच्छा, लेकिन ये है कि T10 टू मच फास्ट हो जाएगी और मेरे ख्याल से क्रिकेट नेशन के लिए ये ठीक नहीं है। नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं। आगे T20 की वजह से इतना नुकसान हुआ, इतने प्लेयर्स रिटायरमेंट ले गए, अली अभी तीन चार साल खेल सकते थे, तो उसका नुकसान हुआ, हर कंट्री को हुआ, क्योंकि T20 लीग इतनी आ गई है वो खेलने के चक्करों में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आप काउंटी तो भी खेल रहे हैं ना आप? वह लीग क्रिकेट खेल रहे हैं जो मिलती है, PSL खेल रहे हैं, कहीं पे लीग क्रिकेट होती है। देखिए मेरे जैसे प्लेयर्स के लिए ठीक है जो टीम का हिस्सा नहीं है, आप जो करंट टीम से कोई रिटायरमेंट ले ले तो उसका फिर नुकसान कंट्री को तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल कभी भाई आपने कितनी खेली है इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए? देखिए अल्लाह का शुक्र है 13-14 साल खेली, 13-14 साल खेली है और बड़े मज़े से और बड़ा इंजॉय करके खेली है। इसमें जितना अल्लाह का शुक्र अदा कर उतना कम है, फैमिली की दुआएं हैं। तो आप जैसे दोस्त, आपके भाई के दोस्त की दुआएं हैं मेरे साथ बचपन से, लोग इसी क्लब से खेलते हैं। बस हमारा काम सारा होता था कि इधर ही बस ग्राउंड में सारा दिन। मुझे बड़े बड़े चुटकुले मौसम ने मुझे सुनाया है कि गामी भाई ने आज ये कर दिया वो कर दिया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, मुझे आप ये बताएं कि दुनिया में आपने ट्रैवल, आधी से ज़्यादा दुनिया ट्रैवल की आपने क्रिकेट की गर्ज से, सबसे बेहतरीन ग्राउंडें आपको किस कंट्री में मिली हैं? ग्राउंड्स ऑस्ट्रेलिया में बड़े खूबसूरत है। अच्छा, मेलबर्न इंग्लैंड में लॉर्ड्स ग्राउंड है, होम ऑफ क्रिकेट है वो। ट्रू, वो इंडिया के बड़े ज़बरदस्त ग्राउंड है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में तो है, हमारा लाहौर है, मुल्तान बड़ा ज़बरदस्त है, कराची बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन इंडिया के भी बड़े ज़बरदस्त। तो वैसे आपको नहीं लगता कामी भाई, गिवन करंट सिचुएशन, करंट गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है इस वक्त करंट, ही इज़ अ लेजेंडरी क्रिकेटर, ठीक है ना, आपको नहीं लगता कि उनको ग्राउंड स्टेडियम्स और बनाने चाहिए या क्रिकेट, एटलीस्ट क्रिकेट को मेरिटोक्रेसी के उसमें लेकर आएँ, मेरिट पर क्रिकेटर सेलेक्ट करें, यंगस्टर्स जो हमारे बच्चे जो बेचारे रात दिन सुबह दोपहर शाम क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट सारा कुछ करते हैं। देखिए मून, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब इतना उनके पास टाइम नहीं, और भी बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, आपको पता है, वो अभी फिलहाल अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ ध्यान दे देना। वही बहुत है। मैं भी कह रहा हूं ना, उनके होते हुए पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं ना हो सकती तो फिर आप किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेजेंड रहे, उनको पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये उनको एग्जैक्ट पता नहीं है। वो 22-23 साल ग्राउंड से बाहर रहे हैं, सियासत में रहे हैं, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्रिकेट बंद हुई है डोमेस्टिक की, उसका बड़ा नुकसान, उसका बड़ा कोई सही बंदे उनको ब्रीफ करते तो शायद मान लेते, लेकिन यह मुश्किल है उनके आगे कोई अपनी बात मनवानी। अच्छा, उनका जो दिल करता है, जो बेहतर लगता है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने किया, लेकिन जितना हम लोग ग्राउंड में रहे 22 साल ग्राउंड रियलिटी ये है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते बंद करने, वैसे क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ओहो, अच्छा कामी भाई, आखिरी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन, आप अब फ्यूचर कहाँ देखते हैं अपना क्रिकेट में, और कितना फ्यूचर देखते हैं आप क्रिकेट में अपना? देखिए अल्लाह का शुक्र है, वो चीज़ें अल्लाह ने हमें दिखा दी है, वो काम करवा रही है, कभी सोच भी नहीं सकते, माशाल्लाह, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, फैमिली की दुआएँ हैं। फ्यूचर देखिए कोई कुछ नहीं कह सकता, फ्यूचर हमारी मेहनत, मेरी क्रिकेट ही है सारा कुछ। हाँ जी, और ब्रेड एंड बटर आप कहते हैं, ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही आपका, हाँ क्रिकेट ही है, और जब तक फिटनेस है, फॉर्म है, खेलते रहेंगे और अपनी लीग क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो लेट्स सी कितना खेलते हैं, ये तो टाइम। अच्छा एक सवाल बड़ा मज़ेदार मेरे जहन में आ रहा अभी, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो आपको पता ही है कि हम हमारे हालात क्या थे, आंखों से तुमने देखा, वो तो चले वो तो बैक स्टोरी है ना, उसको छोड़ दें, लेकिन अगर आप क्रिकेटर ना होते यार, हमारा मून लोहे का काम था। अच्छा, हम लोग वेल्डिंग का हमारा काम था, तो शायद जितना मैं पढ़ सकता पढ़ता, उसके बाद ये हम लोग काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, लेकिन देखने अल्लाह ने कहाँ से काम पहुँचा दिया, माशाल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र था, जबरदस्त, यानी कि ये इंस्पिरेशनल है यंगस्टर्स के लिए कि नेवर गिव अप, राइट। मुझे दूसरा बताएं, अब जो यंगस्टर्स इस वक्त जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह आपके पीछे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा इंस्पिरेशनल मैसेज कि उनको क्या करना चाहिए, किन किन को अप्रोच करनी चाहिए अपने आप को प्रमोट करने के लिए,
या अपने आप को उस लेवल तक लेके जाने की, क्योंकि मैंने सुना कि कायदे आजम ट्रॉफी खेलने के लिए जरूरी है। देखिए आजकल की क्रिकेट में ना शॉर्टकट बहुत ज़्यादा आ गया, मेहनत बहुत कम हो गई है, और जितना मेहनत पे बिलीव करेंगे उतना प्रोसेस के साथ आएंगे उतना फ़ायदा उन लड़के को भी होगा, और जहाँ से वो खेलेगा उस टीम को भी होगा। उसमें आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी है, उसमें आपके अंडर 19 भी है, उसमें नेशनल लेवल पाकिस्तान टीम है। अगर आप प्रोसेस के साथ मेहनत के साथ आओगे आपको फ़ायदा होगा, शॉर्टकट से कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आई मीन कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं ना जिनको अप्रोच करना होता है कि उनको दिखाना होता है अपनी परफॉर्मेंस के यार मैं इस काबिल हूँ। क्रिकेट का इतना आइडिया नहीं है, तो मैंने जो बातें की हैं ना ये क्रिकेट के रिलेटेड ही। अच्छा, वो पता चल गया क्लब क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट डोमेस्टिक है। सही चले, ठीक है गंगा भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया, इंशाल्लाह रहेगी मुलाकात। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट गाइस, सो ये थे हमारे फॉर्मर पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर मिस्टर कामरान अकमल। यू सी आई हैव आस्क्ड हिम अ वेरी गुड क्वेश्चंस, सम फनी क्वेश्चंस आल्सो, एंड ही हैज आंसर्ड सो कॉन्फिडेंटली, देयर वाज नथिंग रिटन अबाउट इट वाज ऑल इम्प्रोवाइज्ड क्वेश्चंस। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन अ बेल आइकन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।